कल्याणी सिंहपुर ब्लक को आसी पड़की आँ टांगिया देले कटिया मान आग देले कटी दे धूआ दे थाली दुटा लखा दे ये आज हर साल की भांति हमारा फूड बटालियन जो ये अपना सिविक एक्शन प्रोग्राम होता है वो आज भी था। इस बारी थोड़ा सा चेंज किया है, इस बारी जो है हमें यूटिलिटी आइटम्स देने के लिए बोला है, लेकिन समय बहुत कम था इसलिए हम लोग बहुत सब जगह बहुत जल्दी में इनको कर रहे हैं, परंतु कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ यूटिलिटी है वो हो पाए। और ये जनसंपर्क कार्यक्रम होता है भारत सरकार का, साथ ही हमारा जो सेक्टर मुख्यालय है भुवनेश्वर में उनमें IGP मोहंती साहब जो है उनके तत्वाधान में ये सब कार्यक्रम होते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जिसमें कि जनता से जुड़ने का हमें मौका मिलता है और उन्हें ये बताना कि हम उनके लिए हैं और उनके सिक्योरिटी के लिए हम मौजूद हैं। इससे हमें भी अच्छा लगता है, जनता को भी अच्छा लगता है जो हमारे हम उन्हीं के लिए यहाँ ड्यूटी पे हैं, तो हमें बहुत इसमें मदद मिलती है उनके साथ उनके रहन सहन को जानने में, उनको हमें ये बताने में कि मुख्य धारा में रहना कितना ज़रूरी है और ये जो नक्सलवाद है इससे दूर भी रहें और जनता के साथ रहें देश के साथ। हर साल में CRPF की तरफ से जो नक्सल प्रभावित इलाका है जहाँ पर हम लोगों को एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, जिस जंगल इलाके में हम अमूमन ड्यूटी करते हैं, उस इलाके में के जो जनता है वो मुख्य धारा में शामिल हो जाए और कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स में सम्मिलित नहीं होना के लिए उनको ज़रूरत का हिसाब से कुछ सामान मुहैया कराना, जिससे कि वो अपना व्यवसाय में काम करने में वो लोग सफल बने रहेंगे और मुख्य धारा में बने रहेंगे और जनता और सरकार के ऊपर विश्वास रखेंगे, ऐसे हमारा भारत सरकार का प्रयास है। इसी के तहत हम पिछला साल में भी परसाली, चट्टीकोना, सना डांगनील, बड़े डांगनील दुर्गम इलाका में पानी का दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए वाटर प्यूरिफायर फिल्टर और मनोरंजन के लिए खेती में काम करने वालों के लिए रेडियो को दिया गया था। और इस वर्ष में सभी किसानों को इस समय खेती का धान काटने का समय है, इसके लिए दराती और काम करने के लिए कुदाली और कुल्हाड़ी वगैरह दिया गया। उसमें से ये हमारा संकल्प और प्रयास है किसान इस उपकरणों का माध्यम से अपना खेती बाड़ी कर सके, या किसी का घर में या खेती में काम करने के लिए जाएंगे तो उसमें कुछ पैसा कमा सके और वो लोग अपना जीवन करके उसी से अपना परिवार को संभाल सके और गलत रास्ते पर ना जाए और सरकार के ऊपर भरोसा रखे और मुख्य धारा में बने रहे, ये हमारा मुख्य उद्देश्य का अनुसार रायगढ़ से हमारा श्री मनोज कुमार यादव कमांडेंट महोदय द्वारा ये सामान भी मुहैया कराया गया, सर ने भी आकर के उन साहब को सामान वितरण किया गया, इस पायलट किया गया हमारा कंपनी का कल्याण सिंहपुर द्वारा।